हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम सानिया और तितली की जो कहानी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सर करेंगे। ये हम कहानियों की जो बुक दी गई है मिशन बुनियाद की, उसमें से सारे चैप्टर कर रहे हैं। तो आज हम कहानियां और तितली के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो, कहानियां और तितली में क्या कहा गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन आंसर समझ रहे हैं सिर्फ हम। यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों को सही चित्र के साथ मिलान कीजिए। तो देखो, ये हो जाएगा फूल, हो जाएगा ये तितली, हो जाएगा ये पेड़, हो जाएगा और ये घर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आओ शब्दों को मिलाएं, जैसे कि चलना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, पीना, मंडराना, पकड़ना, टहलना, जलना और भागना। हमें क्या करना है, शब्दों को मिलाना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, उदाहरण को देखकर ऐसे शब्दों को छांटे, जैसे कि चलते चलते, धीरे धीरे, हम लिख सकते हैं पीछे पीछे, मंडराते मंडराते, रुकते रुकते, हंसते हंसते, रोते रोते और कहते कहते। वो कहते कहते रुक गया ना, इस तरह से जहाँ पे डबल रिपीट हो रहा है एक शब्द को, ठीक है। उसके बाद अंडे से तितली कैसे बनी, सही क्रम में लिखिए। सबसे पहले अंडा बना, फिर लार्वा बना, फिर प्यूपा बना और लास्ट में तितली बनी। अब देखो, तितली पर चार पंक्तियों की एक कविता किसी से पूछ कर लिखिए। किसी से पूछ कर नहीं, आप अपने आप बना कर लिखिए। किस तरह से, रंग बिरंगी तितली उड़ती जाए इधर उधर, कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर। तो अपनी मर्जी से बनानी है, कोई भी आप कविता बना सकते हैं। नेक्स्ट है नदी पार चले। तो ये चैप्टर दिया गया है, हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहानी में ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए जिसमें न और ना आता है, जैसे कि मन, नदी, चरने, नदी, कितना और आसान, है ना। न और ना भी हम यहाँ पे चरना कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे नदी की जगह आप और कुछ सोचो कि जैसा कि जैसे न आए ना इसमें, हाँ, तो ये सारे शब्द क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, हम क्या करें, न और ना आता है, जैसे कि कितना हो गया, मन हो गया, नदी हो गया, चरना हो गया, है ना, और नदी हो गया, ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, आपके घर में पानी का उपयोग किन किन कामों के लिए किया जाता है, नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए और कपड़े धोने के लिए, सफाई करने के लिए हम लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर क्या कहा गया है, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्राओं को प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए, जैसे कि छोटी ई का किरण, हिरण, दिन और हिम्मत, कीमत, कितना, हम यहाँ पे कितना भी लिख सकते हैं, कितना, चेतना, चितना भी लिख सकते हैं ना, कोई भी वर्ड बनाओ आप यहाँ पे, ठीक है। नदी, सरिता, है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना, कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है, कुछ, सुनकर, तुम, बड़े हो की मात्रा, दूध, दूसरे, सुनकर, ठीक है, सूंग कर कर दो यहाँ पे, सूंग कर, ठीक है, सूंग कर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है, ऐसे शब्द अक्षर, संयुक्त अक्षर वाले शब्द बनाइए जिससे में आधा वर्ण आता है, जैसे कि उदाहरण है हिम्मत और बच्चा, बिल्ली, पट्टी, मक्का, पत्ता, कच्चा और रस्सी। इन सब में क्या है, एक आधा वर्ण आता है, तो ये क्या हो जाएंगे, तो संयुक्त शब्द के। छलांग लगाने वाले जानवरों के नाम लिखिए, कंगारू, चीता, हिरण, बंदर, ये सब क्या लगाते हैं, छलांग लगाते हैं ना, तो इनका नाम हमने लिख दिया है। नेक्स्ट देखो, बारिश, बारिश की कहानी दी गई है, पहले उसको रीड करेंगे, अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो क्या कहा गया है, नीचे दिए गए शब्दों को अंत में जिस अक्षर पर हो उस अक्षर से शुरू होने वाली कहानी से ढूंढकर शब्द लिखिए, जैसे कि बहुत तेज। तो देखो क्या कहा गया है कि कहानी से ढूंढकर लिखो या आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो देखो, जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं वैसे, उमस, समय, यदि, आंगन में, नदी, दवाई, मौसम, मधुर, मैं पे खत्म हुआ ना, और रात, इसी तरह बाद में, दवात और तेल, अखबार में रजाई और इमली। तो कहानी से ढूंढकर भी आप यहाँ से शब्द लिख सकते हैं, मैंने जनरली वैसे ही शब्द लिख दिए हैं। अब कहानी को पढ़कर खालिस्तान भरिए, इस मौसम की पहली बारिश थी, बारिश यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएगा, बादल गरज रहे थे, आंगन में पानी भर गया था, मिठू ने पुराने अखबार उठाए। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, पुराने अखबार का उपयोग कौन कौन सी चीज़ें बनाने में किया जाता है, नाव बनाने में किया जाता है, किताब पर चढ़ाने में किया जाता है, अलमारी में बिछाने में किया जाता है, तोता बनाने में करते हैं, चिड़िया बनाने में करते हैं और पर्स बनाने में, ना कागज का जो पर्स होता है खेलने के लिए ना, उसमें बनाने में हम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, आप चाहे तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, खेलने में कर सकते हैं ना। आगे देखो क्या कहा गया, मिट्ठू के घर में पानी क्यों भर गया था, बहुत बारिश होने के कारण मिट्ठू के घर में पानी भर गया था। बारिश के बाद आप इंद्रधनुष बनते हुए देखा होगा, आप भी इंद्रधनुष बनाइए, उसके रंगों के नाम लिखिए। तो उसके सीक्वेंस वाइज नाम लिखने हैं आपको, देखो क्या है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। तो ये है पेज नंबर 25, और इस तरह से आप क्या करेंगे, अलग अलग इंद्रधनुष बनाएंगे और उसके अंदर जो ये कलर बताए गए हैं, इस तरह के कलर का आप नाम लिखेंगे। तो ये थी हमारी
जो कहानी की चैप्टर्स थे कुछ, अब हम आगे के चैप्टर्स भी और करेंगे। अगर आपके पीछे के कुछ चैप्टर्स रहते हैं तो आप वहाँ से वीडियो देखकर, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री किया गया है, आप वहाँ से देखकर सारे चैप्टर्स कर सकते हैं। तो इसी तरह की वर्कशीट्स के लिए या हम ये कहानी के चैप्टर्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। डीओई के अपडेट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज़।